ये मोह मोह के धागे क्यों उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे क्यों उंगलियों से जा उलझे, कोई तो है ना लागे किस तरह गिर है सुलझे, कोई तो है ना लागे किस तरह गिर है सुलझे, कोई रोम रोम एक तारा, कोई रोम रोम एक तारा इस बादलों से गुजरे, ये मोह मोह के धागे। मूवी का नाम दम लगा के हाइशा, सिंगर मोनाली ठाकुर, बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज है इनकी। आइए आज इसी गाने को हम रिक्रिएट करते हैं इंग्लिश। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तो है ना लागे किस तरह गिर है सुलझे। मोह मोह के धागे means there is a sense of attachment with you. मोह माने attachment. I have sense of attachment with you. मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रही हूँ, एक अटैचमेंट हो रही है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, इसका मतलब मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों में फंस गई है, मीन्स माई माइंड इज entangled विथ यू। फंस जाना मतलब entangled विथ यू। कोई तो है ना लागे, देर इज नो सोल्यूशन वॉट टू डू, किस तरह ले रहा ये सुलझे, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सेपरेट दिस फिंगर्स आउट। इसका मतलब है देर इज अ नॉट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों में अभी एक गांठ बन गई है, हाउ टू रिमूव दैट। किस तरह गिर है सुलझे, रोम रोम एक तारा, इस रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइक अ इंस्ट्रूमेंट नाउ। एक तारा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरे बॉडी में पूरा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल जैसा लग रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रही हूँ। इस रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे, इस इंस्ट्रूमेंट इज मिक्स्ड विद द क्लाउड्स आल्सो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तो है ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।